हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी। और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और आपको समझाऊंगा कि आप एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है यूट्यूब की तरफ से, जैसे कि 1,000 सब्सक्राइबर हो, 4 से 7 4,000 घंटे आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो कि 2,40,000 मिनट बनते हैं। वो आपको कंप्लीट करने वो जरूरी है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अगर आप सिर्फ 500 सब्सक्राइबर को 3,000 घंटे पूरे कर लेते हैं, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये दोनों मोनेटाइजेशन अलग अलग होती हैं, मैं दोनों के बारे में आपको बताना लगाऊँ। पहली होती है 500 सब्सक्राइबर हो, 3,000 घंटे में आपको क्या मिलता है। देखिए सर, आप जब भी 500 सब्सक्राइबर को 3,000 घंटे अचीव कर लेते हैं, तो आपको एक सुपर चैट दे दी जाती है, जिसमें आप गिफ्ट ले सकते हैं। आपका अकाउंट बन जाता है गूगल एडसेंस में, जिससे आप अपना अकाउंट को लिंक कर लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ही मिलता है, इसमें आपके वीडियो के ऊपर किसी भी तरह की कोई ऐड नहीं चलेगी। अगर ऐड चलती है तो उसका किसी भी तरह का रेवेन्यू आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। अगर आप 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये सब तो आपको मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा आपके चैनल के ऊपर जो भी ऐड चलेगी, उसका आपको परसेंटेज दिया जाएगा। अगर आपके चैनल के ऊपर वीडियो के ऊपर ऐड चल रही है या आपके शॉर्ट के ऊपर ऐड चल रही है, तो उसका रेवेन्यू आपके साथ शेयर किया जाता है। जैसे कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई ऐड चल रही है, तो 55 to 45% का एक रेशियो होता है जो आपको दिया जाता है। 55% आपका होता है और 45% यूट्यूब का होता है। शॉर्ट में इसे उल्ट कर दिया गया है, शॉर्ट में 45% आपका होगा और 55% यूट्यूब का होगा। तो ये है मोनेटाइज होने के बाद, आपके पास दो तरीके हैं मोनेटाइज होने के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा।